हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी मंचूरियन। इसके लिए हमने शिमला मिर्च, कैरेट और कैबेज को बारीक चॉप्ड कर लिया है और इसमें ऐड किया है नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच अरारोट। मैदा और अरारोट की रेशो हमेशा 3:2 होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 3 चम्मच मैदा डाल रहे हैं तो 2 चम्मच अरारोट, और अगर 6 चम्मच मैदा डाल रहे हैं तो 4 चम्मच अरारोट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर ऐड करने से हमारी मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसका एक अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लेंगे और उससे हम अपनी मंचूरियन बॉल्स रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मंचूरियन बॉल कितने अच्छे से बन गई हैं। अब हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें तेल को मीडियम हीट करना है, जिससे कि ये अंदर तक पक जाएं। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से तो ये पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मंचूरियन बॉल्स का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन की ग्रेवी। इसके लिए ऑयल में लहसुन और प्याज डालकर हम उसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएं तो हम तब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद हम उसे भी थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। जब शिमला मिर्च थोड़ा पक जाए तो हम ऐड करेंगे कैबेज। कैबेज को भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब ये सब्जियां सौते हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च और रेड फूड कलर। अगर आप चाहें तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अच्छा सा कलर देने के लिए मंचूरियन को ये रेड फूड कलर ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, सिरका यानी कि विनेगर, टमाटो सॉस। आप इन सब की मात्रा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला देंगे। जब इसे बॉईल आने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अरारोट। अरारोट ऐड करने से हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी बन गई है। बस ग्रेवी ऐसी ही होनी चाहिए। बॉईल आने पे हम इसमें अपने तैयार किए हुए मंचूरियन ऐड कर देंगे और उन्हें 2-3 मिनट के लिए सिकने देंगे, ताकि उनमें ग्रेवी का टेक्सचर अच्छे से चला जाए। आप देख सकते हैं हमारे मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और इनका कितना अच्छा कलर आया है। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।